स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। लखीमपुर हिंसा के सातवें दिन मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गया है। उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 10:30 बजे से के बाद ही वहां पर पहुंच गया और 24 मिनट पहले समय से वो वहां पर पहुंच गया था। ऐसे में रुमाल से उसने अपना मुंह छिपा रखा था और पुलिस उसे क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। पुलिस के सामने भीड़ लगी थी, ऐसे में पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए थे और ऐसे में डीआईजी एसपी विजय ढुल मौके पर मौजूद थे और गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी इस सवाल का जवाब देने से हर अधिकारी बचता नजर आ रहा है। आशीष के साथ कौन वहां पर आया था इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। वहीं मंत्री पिता अजय मिश्रा टेनिस सुबह से ही अपने कार्यालय पर पहुंच गए थे, वहां भी काफी गहमागहमी का माहौल देखने के लिए मिला और ऐसे में लखीमपुर पुलिस ने शुक्रवार को मंत्री के घर पर दोबारा से नोटिस चिपकवा कर आशीष को शनिवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद आशीष समय से पहले ही पूछताछ के लिए पुलिस लाइन में पहुंच चुका था। लेकिन ऐसे में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी उठ रहे हैं कि वहां पर जो हिंसा हुई 3 अक्टूबर को आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, और आज जो लगातार 10:30 बजे के बाद से ही पूछताछ आशीष मिश्रा से की जा रही है, तो ऐसे में क्या आज पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या मुख्य आरोपी और दोषी जो आशीष को कहा जा रहा है वही इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार है और क्या उसने ही किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। आपको सबसे पहले ये भी बता दूं कि लगातार आशीष से सुबह 11 बजे के करीब से ही पूछताछ की जा रही है और ऐसे में आशीष के 2 फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और हो सकता है कि फोनों के जरिए कोई बड़े खुलासे आशीष के फोन से हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि आशीष ने एक चिट्ठी लिखकर कल ये बताया था कि वो बीमार है, इसीलिए वो कल पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाया था, जिसके बाद और ज्यादा सवाल उठने लगे कि अगर आशीष अपने आप को बेगुनाह बता रहा है तो वो पुलिस के सामने क्यों पेश नहीं हो रहा, क्यों इतना समय लग रहा है और आखिरकार सरकार और पुलिस जो है आशीष पर इतनी नरमी बरतती हुई नजर क्यों आ रही है, इसी पे आज ज्यादा चर्चा करेंगे। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं, वहीं बीकेयू नेता विनोद जटोली जी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जय दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। गौरव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं, आखिरकार इतने दिन बाद 7 दिन बीत गए, आज आशीष मिश्रा पहुंच ही गए पुलिस के सामने, लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है वो ये कि इतनी नरमी बरती क्यों जा रही है आशीष के साथ। चलिए, शायद कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से गौरव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लगातार देखिए आप लोग सरकार पर दबाव बना रहे थे, किसानों के हक में आप लोग आवाज उठा रहे थे, राहुल गांधी ने भी बीते 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अगर हम दबाव नहीं बनाएंगे तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या आज जो ये कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि लगातार आप लोग दबाव बना रहे थे? अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद कोई टेक्निकल इशू है, अभिषेक जी तक भी आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही है। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी 3 अक्टूबर को, उसके बाद से ही सियासी पारा यूपी का चढ़ा हुआ है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लखीमपुर खीरी जाकर किसानों के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार को भी पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि उनके मंत्री और उनके बेटे को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में
अब 7 दिन बीत गए हैं। आज आशीष मिश्रा को बुला लिया गया पुलिस लाइन में और लगातार सुबह 10:30 बजे जब वो पहुंचे तो उसके बाद से ही क्राइम ब्रांच जो है उनसे पूछताछ कर रही है और ऐसे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि लगातार आशीष मिश्रा से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तक 32 से ज्यादा सवाल उनसे पूछे जा चुके हैं और ऐसे में आशीष मिश्रा भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। और इसीलिए चलिए एक बार फिर से सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए आज आशीष मिश्रा पहुंच गए, क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन ये सवाल जो है वो हर कोई उठा रहा है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है कि क्यों इतनी नरमी बरती जा रही है। देखिए कहां ये तो निष्पक्ष रूप से जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि इतने बड़े मंत्री के ऊपर मर्ज होता, फेवरेटिज्म नहीं है। मंत्री के बेटे के ऊपर हो रही है तो वही जांच इस बात की भी होगी कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर दूर से इतनी बड़ी संख्या में किस जी, शायद आपके नेट में कोई इश्यू है, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए राहुल गांधी कह रहे थे कि लगातार विपक्ष दबाव बनाएगा तभी सरकार कार्रवाई करेगी। हाथरस कांड का भी जिक्र उन्होंने किया था कि ऐसा ही हुआ कि जब सरकार पर दबाव बनाएगा तब कार्रवाई हुई। तो क्या अब आज इस मामले में 7वें दिन ये कार्रवाई हुई है, ये इसीलिए हुई क्योंकि लगातार आप और सपा बसपा तमाम पार्टियां जो है सरकार पर दबाव बना रही थी? अभिषेक जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? विनोद जटोली जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 सुन पा रहा हूँ। चलिए ठीक है विनोद जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आज आशीष मिश्रा को जिस तरह से कहा जा रहा था मुख्य आरोपी है, आज उसे बुला लिया गया, पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, संतुष्ट तो जब होंगे जब निष्पक्ष कार्रवाई होगी। भाई मेहमान के तरीके से उसे बुलाया जा रहा है ना। पी चिदम्बरम जी देश के बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री, उनके यहाँ किस तरीके से छापा डाला था इसी सरकार। आरोपी को इस तरह से बुलाना एक हफ्ते बाद, तो कहीं ना कहीं संदेह है कि शायद निष्पक्ष जांच भी ये लोग ना करा पाए, तो संदेह तो है पारुल जी। यानी अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो आरोपी है उसको सजा मिले। जिस तरीके से आम जनता के साथ में पुलिस का ट्रीटमेंट होता है ना जी, कि FIR हुई नहीं, अगर बेटा नहीं मिला उसके बाप को, उसके भाई को या उसके किसी भी रिश्तेदार को, नजदीकी को उठा लेती है पुलिस जी। भाई देश में कानून सबके लिए बराबर जी। कैबिनेट केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को कुचल देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जी। तो जैसे आम जनता के साथ में पुलिस पे कार्रवाई होती है, उस तरीके से हमें लग नहीं रहा है कार्रवाई कर नहीं रही है पुलिस यार। ठीक है विनोद जी, आज अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीट पीट कर मारना मेरी नजर में हत्या नहीं है, क्या समझा जाए इसको? नहीं, आप ये देखिए कि कोई भी आदमी निर्दोष होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर जानबूझ के किसी को वो नहीं करता, लेकिन उनके साथ भी जनता का क्या रिएक्शन होता है? और इस आदमी ने तो इन्होंने तो जो है जबरदस्ती जानबूझ करके, मंत्री जी का भी एक हफ्ते पहले का बयान है, तो इन्होंने तो जान पूछ करके जो कृत्य किया हो तो जनता क्या करेगी उसके लिए? भाई ये तो जनता ही तो जानती है, कोई नेता किसी नेता ने उन्हें वो दिया हो। विनोद जी तो क्या मतलब किसी को भी लाठी डंडों से पीट पीट कर तभी मार दिया जाएगा? नहीं नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। बयान क्यों दिया? नहीं नहीं देखिए, बयान इसलिए दिए ना कि जनता का रिएक्शन था, वो किसी की इंडिविजुअल तो ठीक है रिएक्शन था, लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद थे वो पुलिस के हवाले भी तो कर सकते थे उन लोगों को, क्यों अपने हाथ में कानून लिया, क्यों लाठी डंडों के साथ इतना पीटा गया कि मौके पर ही मौत हो गई?
पारुल जी, ये कोई पहली घटना थोड़ी है देश में, ये तो नॉर्मल एक्सीडेंटल केसों में होता है। और वहां तो किसानों के प्रति बहुत बड़ा जो है इन्होंने कृत किया है, बहुत दुखद घटना कुचला है लोगों को वहां, दो तीन तीन गाड़ियां, तीन तीन गाड़ियां चली आगे पीछे। ठीक है विनोद जी, वो बात आपकी सही है, लेकिन आप अभी भी किसानों की गलती नहीं मान रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए किसानों की क्या गलती है, किसान तो विरोध कर रहा है। आप सरकार की गलती नहीं मान रहे, 10 महीने से किसान बोर्ड में बैठा है। सरकार की तो गलती है ही, बिल्कुल गलती है, ये माना जा रहा है, मैं मना भी नहीं कर रही, लेकिन किसानों की भी तो उतनी गलती है। नहीं, किसानों की उतनी कैसे है पता, कैसी बात कर रहे हैं विनोद जी, अगर किसी इंसान को पीट पीट कर मार दिया जाए तो उसकी गलती नहीं है क्या? वो नहीं, गलती गलती है, लेकिन वो किसान, आप किसान को कह रही है ना, ऊपर से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि पीट पीट कर मारना मेरी नजर में हत्या नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ये रिएक्शन वो नहीं है कि एक तो पीट पीट कर मार देना, वो है कि दुश्मनी में पीट पीट के मार दिया आदमी को जी। ये तो जनता का रिएक्शन है ना, जनता का रिएक्शन है, वो पीट गया, वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने किया है। मारने की मंशा शायद किसी की ना होगी, मारने की मंशा तो किसी की नहीं होगी। तो फिर तो विनोद जी से कह दिया जाए भीड़ तंत्र कह सकते हैं। नहीं, भीड़ तंत्र ये पहली घटना तो है नहीं पारुल जी, ये कोई पहली घटना तो है नहीं हिंदुस्तान में जो इस पे इतना बवाल हो रहा है, क्योंकि आप ही तो कर रहे हैं बवाल। मंत्री जी, नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। मंत्री नहीं नहीं, मंत्री जी का बेटा क्या एक हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं होगा? रिश्तेदारों की तरह उसे चिट्ठी देकर बुलाया जा रहा है, जैसे रिश्तेदारी में दावत के लिए कार्ड देकर के बुलाते हैं, ये है क्या लोकतंत्र? वो बात 3 घंटे में वो आदमी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। गाड़ी मौके पर बरामद हुई है, कई लोग मौके पर पकड़े गए हैं, तो क्या उनसे एक हफ्ते तक पूछताछ नहीं हुई किसकी गाड़ियां थी? आरटीओ भी आपके पास है, विभाग है आपके पास में, तो क्या आज तक आपको ये पता नहीं लगा किसकी गाड़ियां थी, कौन ड्राइवर थे, कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? तो कहीं ये संदेह नहीं है क्या? ठीक है विनोद जी, गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, आज आशीष से पूछताछ हो रही है, और विनोद जी भी देखिए जो सवाल कर रहे थे उनका भी जवाब दीजिएगा सीधा। मेरा सवाल ये है कि इतनी नरमी आखिर बढ़ती क्यों जा रही है आशीष के साथ? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा और निष्पक्ष जांच होगी, और जांच के आधार पर ही, निष्पक्षता के ही आधार पर आज आशीष मिश्रा पुलिस के सामने हाजिर हुए, और यदि वो दोष पाए गए तो कानून सम्मत जो कार्रवाई है उनके ऊपर की जाएगी। लेकिन वहीं पे आप देखिए कितनी निर्लज्जता से किसानों का नेता, अपने आप को कहने वाला एक रंगा हुआ सियार जो अपने आप को किसानों का मसीहा और नेता समझता है, वो इस तरह की हत्याओं को जिसे लिंचिंग करके जघन्य तरीके से हत्या कर दी जाती है उसको सही ठहराने का प्रयास करता है। वहीं आज के दिन में एक दलित की राजस्थान के अंदर में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और ये कांग्रेस के बच्चे पॉलिटिक्स करने वाले जो नेता है तथा कथित, वो वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं जाते, लेकिन लखीमपुरी खीरी में वो पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 100 किलोमीटर दूर का किसान है, जो 70 किलोमीटर दूर का किसान है, वो कैसे वहां पे पहुंच गया इस कार्यक्रम में, कैसे वो आंदोलन करने पहुंच गया वहां पर, क्यों गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होगी, निश्चित रूप से होगी। और खींच खींच करके किसी को इस तरीके से निर्लज्जता से पीट पीट करके उसकी हत्या कर देना, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। निश्चित रूप से इसमें जितने भी लोग दोषी हैं, चाहे वो किसान के पक्ष से हो, चाहे वो किसान संगठनों के पक्ष से हो, या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हो, वो सारे लोग कानून के दायरे में आएंगे, उनके ऊपर उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्यवाही होगी। ठीक है गौरव जी, लेकिन एक बात और यहाँ पर जानना चाहूंगी, देखिए लगातार आशीष के पिता अजय मिश्रा जी भी ये कहते नजर आ रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है, उनका बेटा निर्दोष है। आशीष ने भी तमाम चैनलों पर जाकर अपनी बात रखी थी और कहा था कि मैं तो घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन तमाम वीडियोज सामने आए, तमाम फोटोज सामने आए जिसमें इस बात का को लेकर कहा गया कि आशीष वहां पर थे। लेकिन जब आशीष निर्दोष है तो आज जब वो पुलिस के सामने पहुंचे तो दर्जन भर ज्यादा लोगों के हलफनामे लेके जाने की क्या जरूरत थी? जब वो निर्दोष हैं तो क्यों उन्हें ये सबूत दिखाना पड़ा कि वो वहां पर नहीं थे, वो कहीं और थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं और वायरल हो चुके हैं जिसमें किसान संगठनों ने खालिस्तान का नारा लगाया है, वहां पे हथियार, रॉड, डंडे और तलवार लेकर के भांजा है वहां पर,
तो उसकी भी जांच होगी। और रही आशीष मिश्रा के निष्पक्षता की जहां तक बात है, उस रूप से कहते आ रहे थे कि उस स्थान पर वो नहीं थे, उस गाड़ी में वो नहीं थे, जिसका आज वीडियो भी रिलीज हुआ है, वो भी वीडियो वायरल है, उसको भी देखना चाहिए। मात्र कुछ सेकंड का एक वीडियो लेकर के प्रियंका जी टीवी के सामने बैठ करके दिखाती है, पूरे वीडियो दिखाने चाहिए, दोनों पक्ष के दिखाने चाहिए। और पुलिस वही काम कर रही है, पुलिस सारे वीडियोस को निष्पक्षता से उसकी फोरेंसिक जांच करके उसकी सत्यता को परख के जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी, उसके लिए भी तैयार रहे। और इस तरह के बयान जो राकेश टिकैत दे रहे हैं कि ये जो हुजूम बना करके लिंचिंग करके हत्याएं कर दी जा रही है, वो सही है, और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर भी बैठ करके उसको सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जिस समय इन लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होंगी, क्या ये उसको सही ठहराएंगे? क्या उस समय ये कानून के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या न्याय की मांग करेंगे या नहीं करेंगे? और ये कौन होते हैं न्याय करने वाले, फैसला सुनाने वाले, क्या सही है क्या गलत है, वो जांच में पता चलेगा और वो एजेंसियां बताएंगी। ठीक है गौरव जी, गौरव जी बार बार देखिए आप भी जांच की बात कह रहे हैं, तमाम बीजेपी नेता जांच की बात कहते हैं कि जांच होगी तब पता चलेगा, जांच होगी तब पता चलेगा, फिर पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है जांच में? चल रहा है ना, 8 दिन का छोटा सा समय दिया गया है, 8 दिन में ही रिपोर्ट सौंपी है, ये कोई 2-4 साल 5 साल चलने वाली जांच नहीं है, ये बहुत जल्दी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो सारी चीजें पता चल जाएगी। इसमें इतना परेशान हो और सबको पता है, ऐसा नहीं कि पब्लिक डोमेन में पता नहीं है कि ये घटना किस प्रकार से रची गौरव जी, किस प्रकार से गौरव जी सुबह सुबह हेलीपैड उखाड़ दिया जाता है उप मुख्यमंत्री का, क्या ये अपराध है या नहीं है? गौरव जी अगर आशीष बीजेपी से नहीं होते, किसी और पार्टी से होते या कोई और होते तो क्या फिर भी इतना ही समय लगता? 10 महीने से और संवैधानिक तरीके से किसान आंदोलन, झूठे किसान गौरव जी, आप किसानों के नाम पर रैली करने वाले लोग हैं, वो बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार ने उनके साथ इस प्रकार का किसी भी प्रकार की सख्ती की है? आप ये गौरव जी आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आप जो कह रहे हैं ठीक है मान लिया, ठीक है आप जो कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अरे फर्जी असली का पता लग जाएगा आपको चुनाव में, फर्जी किसान बैठे हैं असली बैठे हैं पता लग जाएगा बिल्कुल। जाइए ना गाँव की तरफ, चलिए गांव की तरफ निकल के चलिए ना, गांव की तरफ निकल के चलिए, स्टूडियो में बैठ के बकवास मत कीजिए, गांव की तरफ चलिए निकल के, आपको पता लगेगा फर्जी असली का। विनोद जी जांच आपकी सबको पता है, आज तक पुलवामा हमले की जांच आपने कराई है, 44 जवान शहीद हुए थे उसकी जांच का जवाब आप दे दीजिए। जांच बता रहे, जांच पुलवामा हमले की जांच बता दो, 19 की पुलवामा हमले की जांच करेंगे आप लोग। आप कौन है फर्जी कहने वाले, आप कौन है फर्जी कहने वाले? चलिए आई चलिए गांव में, आपको असली फर्जी का पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, ये बाद में बात करेंगे, असली नकली जनवरी 26 जनवरी। अरे दीप सिद्धू आपका आदमी था, दीप सिद्धू आपका आदमी था, वो फर्जी फर्जी असली की बात करते हैं। विनोद जी रुक जाइए, सही काम है तब आप फर्जी किसान होते हैं, कोई किसान हेलीपैड नहीं पता, कोई किसान पथराव नहीं करता गाड़ियों के ऊपर। गौरव जी आप रात को आप हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार कर दोगे? हिंदू धर्म में आप लोग हिंदुओं की सरकार के ठेकेदार बनते हो, हिंदुओं के आप रात को 12 बजे 2 बजे जो अंतिम संस्कार कर दोगे लड़की का? आपकी जांच विनोद जी रुक जाइए, आप विनोद जी आपको समय दूंगी, रुक जाइए गौरव जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके इसी कानूनों के पक्ष में विरोध में आप बैठे हैं ना महाराष्ट्र में, वहाँ पे जिला की उपज समिति के चुनाव में 20 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इसी दौरान जीतती है, इसलिए जनता का ठीक है गौरव जी, ठीक है साथ है इसलिए आप ठीक है गौरव जी और विनोद जी आप पर आऊंगी, आपको समय दूंगी। अभिषेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अभिषेक जी। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे, अपराधियों के साठगांठ वाली सरकार है तो फिर डर किस चीज का होगा। और जिसको हमारे बड़े भाई गौरव मिश्रा जी बेकसूर और जाने क्या क्या बता रहे थे, तो उसके ऊपर कौन कौन से धाराओं में मुकदमे पहले से दर्ज है तो यह गौरव मिश्रा जी इसको भी बता दें। और जैसा कि अभी ये हमारे किसान भाई को फर्जी बता रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो पर्दे के पीछे से जब टिकैत जी अकेले पड़ गए थे कि कुछ तथाकथित झूठे किसानों ने हमारे टिकैत जी का साथ छोड़ दिया था, तो पर्दे के पीछे से पत्थरबाजी कर रहे थे तब भूल गए गौरव मिश्रा जी? मुझे लग रहा है उस बात को बताते, कितने सारे चैनलों ने उसको चलाया था तो वो भी बताते। नंबर एक बात,
नंबर दूसरी चीज देखिए, किसान वो व्यक्ति होता है जो धरती का सीना चीर करके हमारे आप सबके लिए अन्न उगाता है और तब जा करके हमें आपको अन्न हमारी थाली तक पहुंचता है। तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा गौरव मिश्रा जी से कि किसी भी वक्तव्य को देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि किसानों की किसानों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। फर्जी शब्द अमर्यादित ही कहलाए। दूसरी बात, नंबर तीसरी चीज, जो किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है वो कितना शांतिप्रिय होता है आप इसी से समझ सकते हैं। जो किसान शांतिप्रिय होने के साथ साथ विरोध दर्ज कराता है, आज तक कभी किसी को परेशानी नहीं हुई, ना ही उसने कभी हथियार उठाया, लेकिन तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के अपराधी छवि के लोग किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, किसानों की भावनाओं को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए वो किसानों की भेष में आते हैं और उत्पाद बचा करके चले जाते हैं। तीसरी बात, नंबर चौथी चीज, इस बात को देखना पड़ेगा, जब किसान हमारे किसान भाई आंदोलित थे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ानी आपको पड़ गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आपको मैं गौरव मिश्रा जी को बड़ा याद दिला दूं, अभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के बारे में और माननीय प्रियंका गांधी जी के बारे में ये बोल रहे थे, अरे हम तो वो लोग हैं जो किसान भाइयों के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन माननीय प्रियंका गांधी जी ने इनके प्रशासन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता गौलोकवासी हो गए हैं, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। तो प्रशासन की तरफ से एक जवाब आया कि वो लोग मिलना नहीं चाहते हैं। अरे इंसानियत इसी से ही पता चलती है। और जिनकी बात कर रहे हैं तो ये वो लोग, ये उनकी सरकार है। अभिषेक जी, अगर प्रशासन ने ये कहा था, मैं आखिरी बात और कह दूं, एक आखिरी बात और कह दूं कि इनके लखीमपुर की घटना इनको याद होगी कि कैसे विधायक जी ने एक महिला कांस्टेबल जब के साथ छेड़छाड़ हुई थी तो थाने पे हमला करके उस अपने अपराधी छवि के प्रवृत्ति के अपने बेटे को बचा करके वहां से छुड़ा ले गए थे। आज तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। 114 विधायक जो इनके हैं वो गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे झेल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनके ऊपर ये बहुत कुछ बोलेंगे और टिप्पणी भी करेंगे। ठीक है अभिषेक जी, आपने प्रियंका गांधी की बात कही कि बीजेपी कार्यकर्ता के परिवारों से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने दबाव बनाया। फिर प्रियंका गांधी ने विरोध क्यों नहीं किया इसका, जब वो इस बात पे अड़ी रही कि मुझे किसानों के घर जाना है, किसानों के परिवार से मिलनी है, तो इस चीज का भी वो कर सकती थी विरोध कि मुझे वहां जाना है। शायद मुझे लगता है कि ये बात जो आप कह रहे हैं तो आपने काफी सारे चैनलों पे फुटेज नहीं देखे या फिर इंटरव्यू। अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आया। अभिषेक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए शायद कोई टेक्निकल इशू है। जय दीक्षित जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। नहीं, प्रशासन शायद आपने फुटेज देखी नहीं थी और मुझे लग रहा है कि बाकी पत्रकारों का इंटरव्यू शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार इस इंटरव्यू में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता अभिषेक जी मैंने देखा था, मैंने सुना था, उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने देखा था और मैंने सुना था, लेकिन उस तरह का विरोध क्यों नहीं किया प्रियंका गांधी ने, जिस तरह का विरोध वो किसानों से मिलने परिवारों से मिलने के लिए कर रही थी। ये बताइए, जब भारतीय जैसे हम तो हर किसी पार्टी के व्यक्ति के पास जाते हैं, जैसे सपा की नेत्री थी, उनके पास जब यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ चीरहरण करने की कोशिश की थी पंचायत चुनाव में, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है, वो हमारी पार्टी की नहीं थी, लेकिन महिला के नाते माननीय प्रियंका गांधी जी गई थी। आखिर क्यों गई थी? वो इसी वजह से गई थी कि वो प्रदेश की और देश की नागरिक है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वहां पे भी लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि आपको इसके लिए इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलना नहीं चाहते हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र रह गया, आप समझ सकती है कि भारतीय, तभी मैंने इसके पहले कहा था कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का।
चलिए जय दीक्षित जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। इतने दिनों से 3 तारीख को जो ये हिंसा हुई और इतने दिन से अगले दिन से ही राजनीति इस पूरी हिंसा को लेकर खूब की जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं और आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा विपक्षी दलों को मिलने वाला है? धन्यवाद पारुल जी, मैं अपने तीनों मित्रों को सुना, विनोद जोटेला जी को, गौरव मिश्रा जी को और अभिषेक वाजपेयी जी को। चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित है तो सरकार पे उंगली उठना लाजमी, और चूंकि चुनाव सामने हो और इस तरीके की घटनाओं को एक बड़ा घटना में तब्दील न किया जाए, प्रदर्शन में तब्दील न किया जाए, तो फिर विपक्ष का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं मानता हूं कि स्थानीय प्रशासन की गलती है, अगर गलती नहीं होती तो फिर LIU की रिपोर्ट इनके पास होती और कहीं ना कहीं इनके पास इंफॉर्मेशन होती कि एक बड़ी घटना में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जब वहां चीफ गेस्ट बन के आ रहा है तिकोनिया में, जो दंगल था जिसके लिए उन्होंने बाद में उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, अपनी जो कार्यक्रम थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा पारुल जी की, कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो जो किसान आंदोलन के नाम पे जो दंगे किए जा रहे हैं जी, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगता है जी। देखिए यहाँ जो हुआ, यहाँ पे चार धीरज तिवारी, उमेश शुक्ला, मोनू मित्रा, शुभम मित्रा, जो चार मृतक और भी मरे हैं उनके यहां कोई भी नहीं पहुंचा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाके सरदार जी को गले लगा रहे हैं, अच्छी बात है, घर में दुखद घटना हुई है, संवेदना प्रकट करना अच्छी बात है, बट मौत तो मौत है ना, मौत पे राजनीति क्यों? 3 अक्टूबर को घटना होती है लखीमपुर खीरी में, अखिलेश यादव से लेके सभी नेता और हमारे किसान भाइयों के भी जो आजकल नया नए नेता आए हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन 7 तारीख को काश्मीर में भी एक घटना होती है जिसमें 2 शिक्षकों का ID कार्ड देख के गोली मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर किसी ने मैसेज नहीं दिया, उस पर किसी ने अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, और आप एक छोटी सी घटना याद कीजिए, यूपी गेट पे अमित वाल्मीकि जी जो प्रदेश मंत्री थे उनका स्वागत करने के लिए कुछ भाजपाई खड़े थे, और वहां काला झंडा ले जाके हाईलाइट कराने के लिए, अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए उसके ऊपर महिलाओं के ऊपर अटैक कर दिया गया जी। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो देखने को मिल रहा है कि किसान कहीं ना कहीं अपनी एग्रेसिव राजनीति को, देखिए किसान एक बड़ा सॉफ्ट वर्ड है भारतीय संस्कृति में, किसान एक बड़ा सॉफ्ट सा वर्ड है, हर व्यक्ति किसान को लेके अपनी संवेदना बड़े सॉफ्ट तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किसान के नाम को यूज किया जा रहा है हर जगह एग्रेसिव। उत्तर यूपी गेट पे जो आप लोगों ने दंगा फैलाया, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ, वहां कार्यकर्ताओं पे अटैक हुआ, यहां पे भी जीप पे अटैक हुआ है, कुछ फोटोग्राफ्स में देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले अटैक हुआ है उसके बाद किसी तरीके की प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि अब सरकार इस पे एग्रेसिव है, सरकार ने CBI जांच की घोषणा कर दी है, जज के पीछे 8 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की भी घोषणा कर दी है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। सरकार इस पे संजीदगी भी दिख रही है, और जिस तरीके की एग्रेसिवनेस विपक्षों ने दिखाया, ये एग्रेसिवनेस काश्मीर के भी उस 2 हत्याकांडों पे भी दिखाने की जरूरत थी, जो शायद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी विरोधी पार्टी उस हत्याकांड पे अपना दुख जाहिर नहीं किया जी। पारुल जी, चलिए ठीक है, जय दीक्षित जी, अभिषेक जी बोलिए। देखिए पारुल जी, मैं अपने भाई जय दीक्षित जी को ये अवगत करा दूं कि जब अभी इन्होंने पेपर भी पढ़ा होगा, जब सॉलिसिटर जनरल ने बाकायदा इस चीज के बारे में बोला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, जवाब तलब किया था संज्ञान लेते हुए,
जब उन्होंने पूछा था कि क्या इस चीज की इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाएगी, तो उन्होंने बोला था कि अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। तो मैं इस बयान का खंडन करता हूँ। अफवाह जरूर उड़ रही है कि सीबीआई जांच के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी भी हलफनामे में इसका जवाब नहीं दिया हुआ कि सीबीआई जांच कराई जाए, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, जहाँ जहाँ पे हमारी संज्ञान में किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी कोई दूसरी घटनाएं कार्यकर्ताओं के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा संज्ञान में आती है, तो माननीय प्रियंका गांधी माननीय अजय कुमार लल्लू जी या जो भी व्यक्ति होते हैं, हम उस घटनाओं का संज्ञान लेते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हैं और जाकर के हम हर एक परिवार से मिलते हैं। हमारे लिए वो प्रदेश के प्रदेश और देशवासी हैं। ये राजनीति करना हमारा हमारा नहीं है, ध्येय कि नहीं है कि हम उनकी मृत्यु पे, जो गौलोकवासी हो गए उनकी मृत्यु पे हम राजनीति करें। हमारा मनसा सिर्फ इतनी रहती है कि हम उनको उनका हक दिला सके, उनको न्याय मिल सके। आपको आपको मैं और बता दूं, राजनीति नहीं है तो क्या है? और अगर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? निर्भया कांड क्या था? राजनीति देखिए, जब हम अभिषेक जी निर्भया कांड बयान है, किसी को हक दिलाना राजनीति, केंद्र में आपकी सरकार थी नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे, आप नहीं आवाज उठाएंगे तो क्या एक महिला की अस्मिता को सरकार किया गया था? आपके प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे थे कल, माननीय प्रियंका गांधी जी आप अस्मिता की बात कर रहे हैं, रैली भी कर रही है, ठीक है, बनारस में रैली भी कर रही है 10 तारीख को, जो कल रविवार है, तो किसान भाइयों के लिए ही ये रैली कर रही है। इसके लिए हमारा कोई अलग से उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ उनको हक उनका न्याय मिलना चाहिए, ये चीज को। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी। विनोद जी आवाज इको हो रही है बहुत। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए किसान लगातार कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम इसी तरह से विरोध करते रहेंगे, और अगर 11 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, इससे फायदा क्या होगा? नहीं तो ये सरकार बताए ना, ये सरकार क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रही है? अभी मेरे दोस्त जय दीक्षित जी कह रहे थे रेल रोको आंदोलन से क्या सरकार गिरफ्तारी कर लेगी? पारुल जी, पारुल जी, अभी जय दीक्षित जी कह रहे थे कि किसानों के नए नए नेता आए हैं, इनकी ज्ञान शक्ति थोड़ी सी बढ़ाओ। ये नए नए नेता नहीं है, 87 में नेता बने थे, आपकी सरकार नहीं है, इसलिए आपको इसको इसलिए आपको जो है, अरे छोड़िए उस बात को, जमानत जब तो आपकी भी हुई है, अरे जमानत जब आपकी भी होगी, ये तो जनता जनार्दन है। विनोद जी ये जनता जनार्दन है, ये किसको उठा दे किसको गिरा दे, पहले उसका जवाब दीजिए। जो मेरा सवाल है आप उसका जवाब दीजिए, ये रेल रोको आंदोलन से क्या फायदा होगा? क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? परेशान तो आम जनता हो रही है इस सबके बीच। पारुल जी, पारुल जी, वे भी लोग आम जनता के लोग थे जो मरे हैं, और किसान जो वहां 10 महीने से बैठा है वो भी आम जनता के लिए बैठा है। जिस दिन अनाज गोदाम में बंद हो गया, आप अभी चले जाओ मॉल में, क्यों कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, लगातार किसान कहते हैं कि हम आम जनता को परेशान नहीं है, होने देंगे, कोई परेशान नहीं है, कैसे परेशान नहीं है? कभी आप देश बंद कर देते हैं, भारत बंद करते हैं तो ट्रैफिक जाम लग जाता है, लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते, इमरजेंसी सेवाएं। पारुल जी पहली बार हुआ है क्या कि 350 के सिलेंडर ये पहली बार नहीं हुआ? ये भाजपा करेगी, भाजपा विपक्ष में रहेगी, आंदोलन करेगी तो सब कुछ ठीक है। आज भाजपा सत्ता में है, करिए आंदोलन, आपका हक है, बिल्कुल करिए। आप आंदोलन करवा क्यों रहे हैं? आंदोलन करवा कौन रहा है? आप सरकार, आप किसान की करिए ना, सरकार के लिए कुछ ऐसा करिए। 11 महीने से ज्यादा हो गए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किसान क्या करेगा? तो आप मतलब आम जनता को परेशान करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती तो आम जनता को परेशान किया जाएगा। पारुल जी, इस देश में जिन नेताओं को ये नए नेता बता रहे हैं ना, उनके पास में मुख्यमंत्री सिसोली तक गए हैं, प्रधानमंत्री सिसोली तक गए हैं, ये दिल्ली से चल के और गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर तक नहीं आ सकते हैं, ये वो सरकारें हैं, क्या बात करते हैं पारुल जी? 11 महीने होने जा रहे हैं, एक संवेदना का शब्द 700 किसान शहीद हुए हैं, एक संवेदना का शब्द अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा हो तो हमें बता दो। विनोद जी ठीक है, विनोद जी बोलिए। जय दीक्षित, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आप उसी किसान के चेहरे की बात कर रहे हैं ना, जो 26 जनवरी को देश की अस्मिता को तार तार करा दिया, खालिस्तानी झंडा फहरा के देश। अरे वो दीप सिद्धू था, वो प्रधानमंत्री के और आपके गृह मंत्री के साथ में था,
दीप सिद्धू उसने तार तार कराया, इसने तार तार कराया और नारको सेक्स करा लीजिए अपने प्रधानमंत्री का और हमारे नेता का समझे। अरे अपने प्रधानमंत्री का, अपने गृह मंत्री का, हमारे नेता का नारको टेस्ट करा लीजिए, इतनी बड़ी बात कोई दिखाएगा? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साजिश किसकी थी? किसान के नाम पे किसान जो कर रहे हैं वो जनवरी को चाहे वो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके पीछे खालिस्तानी कुछ किसान नेताओं को जो रास्ते बंद कर दिए, जो रूट दिया गया था वो बंद कर दिया, लाल किले का आपने रूट खोल दिया, बॉर्डर पे आपने जो है वहाँ पीले पीले और दीवार लगा दी, 15 अगस्त में जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वो रूट आपने खोल दिया। बात नहीं सुनेगी तो आप अपनी मनमानी कौन कराएंगे? नहीं नहीं मनमानी कौन कर रहा है? मनमानी अरे आप लोग भाजपा के लोग हैं, ये आपके सरकार के प्रायोगिक लोग हैं जो बदतमीजी करते हैं और इनका फैलाते हैं, ये आपके सरकार के प्रायोगिक लोग हैं। नहीं कोई किसान बदतमीजी नहीं कर रहा है बाबू जी। विनोद जी अब तो ये वही वाली बात हो गई ना कि आपको मानना ही नहीं, आपको बस ये है कि किसान जो कर रहे हैं किसान एकदम सही है, बोलिए जय दीक्षित जी। किसान ने क्या गलत किया? किसान ने क्या गलत किया बताओ? खालिस्तान का पारुल जी बोलिए जय दीक्षित जी। किसी ने जी वो दीप सिद्धू जैसे लोग होंगे भाजपा के प्रायोजित लोग होंगे। एक मिनट रुकिए, खालिस्तान का टी शर्ट लगा खालिस्तान का नारा लगाते हुए मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, और ये भी वीडियो दिखा सकता हूँ कि आज एक दलित की लिंचिंग करके राजस्थान में बेरहमी से हत्या कर दी गई, वीडियो दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से पहले वीडियो वो देख लो जो 2:30 बजे आपने किया था दलित की बेटी का, आप किसानों के वेशभूषा में आया था कि वो कौन कौन से मंत्रियों के साथ साक्षात्कार थी उसकी, ये वीडियो हम भी दिखा सकते हैं। अरे आपकी तरीके से हम नहीं चलते हैं, दो मोदी सर की तरह से पढ़िए आप, वो चरित्र वाली सरकार नहीं है हमारे पास। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके से अमल का बयान देते हुए, आपने कल दलित भाइयों का कितना अपमान किया है आपको पता है? माननीय मुख्यमंत्री योगी अभिषेक जी और गौरव जी, अभिषेक जी और गौरव जी का ये तरह से बात नहीं हो पाएगी। गर्वान्वित होते हैं हम सब लोग। अभिषेक जी रुक जाइए, गौरव जी आप भी रुक जाइए। लगाते हैं तो वो सम्मान की बात होती है, और अगर दलित भाई बहन अगर झाड़ू लगा दे तो वो अपमान करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप झाड़ू लगाने भी आना चाहिए अपने आप, वही कह रहे हैं गौरव जी की बाहर की, आप लोग अपराधी छवि के लोग हैं। कूड़े को क्या कूड़े की जरूरत है, वो तो स्वयं कूड़ा कांग्रेस पार्टी हो चुकी है आज की डेट, स्वयं मुख्यमंत्री का कूड़ा नहीं है तो दूसरे की क्या बात करेंगे जो अपने ऊपर से अपराधी सबसे हटवा रहे हैं बैठ करके, वो घर से बाहर जा रहे हैं, वो समझ गए हैं कि चिल्ला लीजिए आप लोग। गौरव जी और अभिषेक जी रुक जाइए, मुकदमे हटवा रहे जिस पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। अभिषेक जी बस रुक जाइए, जय दीक्षित जी आप बोलिए। मैं कहना चाह रहा था, अभी मैं विनोद जी को सुन रहा था कि नए नेता पे बड़े उनको बड़े एग्रेसिव हुए बेचारे, इनके नए नेता एमएसपी की मांग कर रहे, और कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी एमएसपी से कम में भी वो अपना गन्ना देने को तैयार है, एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें कोई फर्जी तरीके से इनका स्टिंग कर रहा था, तो इसमें इनके जो नेता तथाकथित नेता हैं आजकल राकेश सिकैत जी, उससे कह रहे थे कि मैं सस्ते में एमएसपी से कम दर में भी आपको गन्ना मुहैया करा दूंगा और मेरी जमीन ले लो लीज। तो कहीं ना कहीं ये बैठ के किसान के वेश में किसान के नाम पर ये अपनी राजनीति का एक जो पृष्ठभूमि है वो डिसाइड करना चाहते हैं। विनोद जी मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि अभिषेक जी एक मिनट तंज में, अभिषेक जी तंज में और कथन में दोनों, एक मिनट रुकिए, अब मैं सुन रहा था, अभिषेक जी सुन लीजिए, जब आप लोग बोलते हैं तो वो सुनते हैं, अभिषेक जी सुन लीजिए पहले। आप सत्ता में है उंगली उठना लाजमी है, लेकिन एक आदमी कितना तत्परता से अपने सत्ता के सिस्टम में बैठ के कानून व्यवस्था को मैनेज करने में अपने आप को त्वरित तरीके से प्रदर्शित करता है, ये एक बार देखने योग्य। आप एक छोटी सी घटना लखीमपुर पे हुई 3 अक्टूबर को, उसके बाद तुरंत सरकार अपने तरीके से उसकी जांच उसकी एफआईआर दर्ज कर ली, रिटायर्ड जज के अधीन उन्होंने आज एक कमिटी अगर तैयार कर दी और वो जांच करने लग रही है, तो भैया इतनी बेसब्री क्यों हो गई आप लोगों को? 24 घंटे के अंदर उस सरकार ने मुआवजा भी दे दिया,
तो आप थोड़ा सा जांच हो जाने दीजिए, मुकदमा भी हो गया है, आप थोड़ा जांच हो जाने दीजिए। सरकार की स्थानीय प्रशासन की कमी जरूर दिख रही है इसमें, वहां का एलआईयू कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा है। एलआईयू होती अगर सही तो रिपोर्ट पहले आ जानी चाहिए थी कि इस तरीके के प्रायोजित दंगे भड़काने की कोशिश की जाएगी। तो अभी जांच हो रही है, जांच के पहले इतनी बेसब्री क्यों? जांच हो जाने दीजिए अभी, चलिए ठीक मुझे है। लगता है क्योंकि रिटायर्ड जज के अधीन जो कमिटी गठित की गई है उससे काम हो रहा है, ठीक है जय। और किसानों की जहां तक बात है, किसान भारतीय राजनीति में किसान शब्द एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो लगभग 75-80% परिवार ऐसा है जो किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, तो एक सॉफ्टनेस बनी हुई है। बट किसान का नाम यूज करके जो तथाकथित खालिस्तानी और इस तरीके की विचारधारा को इम्प्लांट किया जा रहा है, खासकर वैसे प्रदेशों में जहां चुनाव है, ये गलत चीजें हैं। ये समाज के लिए एक गलत मैसेज दिया जा रहा है, यहां से कहीं ना कहीं पब्लिक को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आप वहीं पे एक हमारे पंजाबी मित्र जो पीड़ित है उनके आप गले लगते हैं, वही चार पंडित परिवार के जो सदस्य मार दिए गए उनके घर तक आप नहीं जाते हैं, तो यहाँ राजनीति दिखती है। ठीक है जय दीक्षित जी, ये समस्या है सबसे बड़ी पारुल जी। बिल्कुल जय दीक्षित जी, अभिषेक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी मैं सबसे पहले। देखिए ये कहा जा रहा है आज जो आशीष मिश्रा पुलिस के सामने गए, ये कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर हुआ और बहुत ही सोच समझ का पेशी हुई आज उनकी। नहीं देखिए, पूरे घटनाक्रम को समझने की आवश्यकता है। यदि हम जांच की रिपोर्ट पर न जाए, प्राइमा फेसी स्टेज पर भी अगर हम इसमें वार्ता करें, तो आप देखिए एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि किसान को गाड़ी धक्का मार रही है, लेकिन देखिए उसके शीशे टूटे हुए हैं, बदहवास हालत में ड्राइवर है। इसका सीधा संदेश यह जाता है कि कहीं ना कहीं उसके जान को खतरा था और वो किसी तरह से भागना चाहता था, उस परिस्थिति से निकलना चाहता था। तो जांच में ऐसी चीजें आएंगी, बाद में आएंगी, क्या सही है क्या गलत है ये बाद में आएंगी। गौरव जी जांच में आएगा, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना रहता है, लेकिन ये कौन से किसान है जो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड उखाड़ देते हैं? राजनैतिक दबाव में एक प्रकार से राजनीति करने के लिए विपक्ष ने ये दबाव डाला है, और जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, और मुकदमा लिखा गया है और उसकी निष्पक्ष जांच भी चल रही है, और केंद्र से भी स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को बोला है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि किसी प्रकार की कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, जांच निष्पक्ष होगी और जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। इसलिए ये भी तैयार रहे, इनके तरफ से भी यदि साजिश करने वाले निकले तो वो भी पकड़े जाएंगे, इसलिए ये निश्चिंत रहे कि एक तरफा कार्यवाही नहीं चलती। ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, आपको रोकना चाहूंगी और मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो लखीमपुर खीरी में हुआ 3 अक्टूबर को, उससे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था अजय मिश्रा का, जिसमें वो किसानों के बीच पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि सुधर जाओ और नहीं सुधरे तो सुधार दिए जाओगे। इसी के बाद ये विरोध किया जा रहा था 3 अक्टूबर को, लेकिन मुख्यमंत्री खुद बचाव करते नजर आ रहे हैं अजय मिश्रा का। वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल भाषण और धमकियों में अंतर होता है, और ये भाषण था, ये पॉलिटिकल भाषण था। मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं इसका जी। कुंती, हिंदी में कुंती लिखा जाता है ना, ऊपर से बिंदु हटा देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है जी। जिस परिपेक्ष में, जिस संदर्भ में आदरणीय अजय मिश्रा जी उस भाषण को दे रहे थे, वो परिपेक्ष दूसरा था, विषय भी दूसरा था, और वहां सारे लोग उनके जानने वाले लोग थे, सारे लोग उनके अपने लोग थे, उनके बीच में वो ये बात कह रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के कह रहे थे, ये धमकी बना करके इसको डिजाइन करना। ठीक है, अगर फिर उनके ही लोग थे तो फिर वहां किसान 3 अक्टूबर को क्यों विरोध करने पहुंच गए? अगर उनके ही लोग थे, अजय मिश्रा जी के लोग थे, तो फिर किसान क्यों विरोध कर रहे थे? नहीं नहीं मुझे ये बताइए कि 150-200 किलोमीटर दूर से कैसे लोग पहुंच गए वहां पर, क्यों पहुंचे, इसका जवाब देने की आवश्यकता है। क्यों भिंडर वाले का फोटो लेकर के, उसके झंडे लेकर के पहुंच गए, ये पूछने की आवश्यकता है। दूसरा, 100-100 किलोमीटर दूर से वहां आसपास में 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई सिख समाज नहीं रहता है, फिर भी वहां कैसे लोग पहुंचे? और जो किसान मारे गए हैं उनका भी 100-100 किलोमीटर दूर है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग साजिश करता है और क्यों इस सुनियोजित साजिश के साथ वहां जा रहे थे दंगा करने के लिए, दंगा करने के लिए, उपद्रव करने के लिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है गौरव जी, विनोद जी जवाब दीजिए।
अभी गौरव मिश्रा जी ने कहा कि जी वो तो उन्होंने अपने लोगों के बीच में कह दिया कि सुधार देंगे 2 मिनट। नहीं, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। क्या थानों में जो क्रिमिनल इतिहास है वो भी अपने लोगों ने लिख दिया उनका? इस देश का दुर्भाग्य है जब जब क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग गृहमंत्री बनेंगे, ये दुर्भाग्य इस देश का है। आप बचाव कर रहे हो, मंत्री का बेटा अपराधी है, मंत्री आज तक हटाया नहीं गया इस सरकार पर, क्या आप न्याय, क्या जनता आपसे न्याय की उम्मीद करेगी, बताइए। और सुनो, दीक्षित जी ने कहा था कि इनके नेता लीज पर जमीन दे रहे हैं कि गन्ना सस्ता मिलता है। आप उठा के शहर में बैठ के राजनीति मत करिए, जाइए गांव में, देहात में, कोल्लू चल रहे हैं, 150 रुपए गन्ना बिक रहा है वहां, और किसान अपना खेत खाली करने के लिए अपनी मर्जी से दे रहा है। इस व्यवस्था को सुधारिए ना, इस व्यवस्था को सुधारिए। मतलब आपने आपने एक स्टिंग बताया आपने कि वो स्टिंग कर लिया चोरी छुपे से। हमारे नेता फर्जी नेता नहीं है, हमारे नेता फर्जी नेता नहीं है। और जाइए आप, कौन सी व्यक्ति लगवा दी उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि कोल्लू के लिए कोई जमीन ढूंढ रहा था जिससे गुड़ बनता है, कि भाई यहाँ पे आप ले लो, किसान जो है मजबूरी में गन्ना देता है। इसमें कौन सी दलाली कर ली भाई? 2016 में टिकैत जी 1 लाख का गन्ना बेचते थे, 2021 आते आते उनके यहाँ से 35 लाख का गन्ना उनके यहाँ कैसे बिकता है, जरा ये फार्मूला बता दीजिए कैसे। आप भी आप फार्मूला पहले अपनी पार्टी का कर लीजिए। आप फार्मूला, वे परिवार में 10 लोग कमाने वाले हैं, परिवार में 10 लोग कमाने वाले हैं। विनोद जी, नहीं विनोद जी, 10 लोग कमाने वाले हैं। आप पहले आप अपने 4 साल 5 साल के जो नेता है मंत्री है उनका ब्यौरा निकाल लीजिए, उनका ब्यौरा निकाल लीजिए कि उनकी संपत्ति कितने गुना बढ़ी है। आदमी काम करेगा तो उसकी संपत्ति नहीं बढ़ेगी क्या भाई? आप सब मतलब ठेकेदारी का केवल भाजपा के नेताओं पर ही ठेकेदारी है कि रोड पे भी काम करेंगे, मिट्टी का काम भी वही करेंगे, कोई काम करेगा नहीं क्या? किसान को इस देश में काम नहीं करेगा क्या? आप किसान किसान ऐप खोलिए, अभी आपको सबूत मिल जाएगा 2016 में क्या था और 2021 में क्या है, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे जब आपकी सरकार आई थी 2014 में धान का रेट 4500 था, और आज आप रेट देखिए, आप किसान की बात करते हैं, किसान को खत्म कर दिया आपने 10 साल में। आप ये बताइए, एमएसपी की गारंटी तो सरकार ना दे सके, और बड़े बड़े वादे करे इसने सरकार में आने से पहले। आपने एमएसपी पर किसान जी, विनोद जी, जी अभी मैंने कहीं पढ़ा था अखबारों में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का जो समर्थन मूल्य है जी उसको 25 रुपए बढ़ाया है जी। पहले शायद 315 रुपए हुआ करता था, 340 रुपए अब डायरेक्ट किसान को समर्थन मूल्य सरकार देगी जी। आप इससे खुश हैं या ना खुश हैं? बहुत खुश है, 5 साल में बढ़ाया है मायावती ने, 5 साल के कार्यकाल में मायावती जी ने 120 रुपए बढ़ाया था, आपकी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया है, आपने जो आपकी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया 5 साल में। विनोद जी खुश है, किसान खुश है, लेकिन बस इनकी एक ही जिद है कि सरकार अपने पैसे से पीछे हट। सरकार कुछ अच्छा कर रही है, देखिए सरकार के खिलाफ हमारा आपका अपना हक है, हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कुछ मांगने का, लेकिन सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसकी अच्छाइयों को भी तो गिनवाइए। क्या अच्छा किया बताओ, 25 रुपए 5 साल में बढ़ाना अच्छा है क्या? 315 रुपए की जो मूल्य थे उसको 340 रुपए कर दी तो एक अच्छी उपलब्धि है किसान भाइयों को। आप ये मत बताओ, ये 25 रुपए क्यों बता रहे हैं आप ये बताइए क्या रुपए किलो आपने बढ़ाया है? आप ये बताइए कि पर ईयर आपने क्या रुपए किलो बढ़ाया है? 25 रुपए मत बताइए कम से कम 5 साल में। आप अपना फर्टिलाइजर का ऐप खोलिए, और इस सरकार ने 120% डीएपी में सब्सिडी बढ़ाई है, 120% सब्सिडी बढ़ाई है डीएपी में व्यापारी की, और किसान का 5 साल में ये 25 रुपए बढ़ाएंगे। इनसे जवाब लीजिए ना इस बात का कि भाई फर्टिलाइजर कितने का था 7 साल पहले और आज कितने का है, और सब्सिडी कितनी है उसमें? गौरव जी बोलिए। जी विनोद जी, गन्ने की बात कर रहे हैं, मैं इनको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। 2016-17 में विपक्ष की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और पूरे 1 वर्ष में 16,000 करोड़ का भुगतान हुआ था गन्ना किसानों का,
आज जब हम 2021 में बैठे हैं तो इस सत्र में अकेले केवल 36,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है और कुल भुगतान 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। दूसरा, ये लागत की ये बात कर रहे हैं, अभी अभी हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। इसके अलावा जो बिजली नहीं मिलती थी किसानों को, मात्र 2-3 घंटे बिजली मिलती थी और उसमें जो डीजल का खर्च आता था, जरा उसको जोड़िएगा तो आपको आंकड़े जो है बहुत लंबे दिखाई देंगे। आज 18 घंटे से 22 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को, उत्पादन बढ़ा है, लागत कम हुआ है। फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर जिस यूरिया के लिए किसानों के ऊपर डंडा बरसता था, अभी देखिए 3 दिन पहले राजस्थान में किसानों को यूरिया के लिए लाठी भाजा गया, उनको बेरहमी से पीटा गया है, उसके लिए इनकी हर आवाज निकलेगी, उसके लिए एक शब्द भी टिकैत जी के मुंह से नहीं निकलेगा, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। लेकिन यहाँ पे गला फाड़ करके चिल्लाएंगे और बताएंगे कि जहाँ उत्तर प्रदेश सबसे शांतिपूर्ण तरीके से विकसित हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। चलिए ठीक है गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी ठीक है, पारुल जी इनके बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। विनोद जी रुक जाइए, इनकी बात का जवाब देने दो ना, जल्दी से खत्म। अभी इन्होंने कहा है, अभी इन्होंने ये कहा है कि इतने करोड़ रुपए तो सपा की सरकार ने पेमेंट किया है, ये गन्ना भी इन्होंने उगाया है क्या किसान के खेत में? ये किसान का एहसान मानिए कि किसान ने ज्यादा गन्ना उगाया है तो आपने ज्यादा पेमेंट किया है, ये तुम्हारा कौन सा एहसान है? तुम्हारा पेमेंट अब भी रुका हुआ है, आप खत्म करिए ना। आज भी 12,000-14,000 करोड़ बचा हुआ है, नहीं उत्पादन उत्पादन किसान बढ़ाएगा, ये भी आप लेंगे कि हमने इतना पेमेंट कर दिया है। नहीं, आप उत्पादन देखिए, उत्पादन कितना था, पास आना चाहूंगी, जल्दी से खत्म कीजिए, एक मिनट का समय। ये भी ठेकेदारी आप पे, आपने गन्ना पैदा कर दिया किसान का। विनोद जी अभिषेक जी को बोलने दीजिए, बोलिए अभिषेक। अरे आप ये बताइए ना कि आपने पेमेंट कर दिया, बताइए आप, आपका आपकी सरकार में पेमेंट क्यों रुका हुआ है? विनोद जी आपकी सरकार में किसान का गन्ने का पेमेंट क्यों रुका हुआ है? पिछली सरकारों का भी मतलब उत्पादन आपने बढ़ा दिया, बिजली आ रही है, आप ये भी बता दो आपने रेट कितना बढ़ा दिया बिजली के। गौरव जी और विनोद जी रुक जाइए, आंध्र को छोड़िए, आप यही देख लो, पहले यही देख लो, आप घर में देखिए चल के, देखिए रुक जाइए, फर्जी आंकड़े मत बताओ विनोद जी, फर्जी आंकड़े मत बताओ, आप बोलिए जल्दी से। अभिषेक जी मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है कोई बात नहीं, जय दीक्षित जी आप बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से खत्म कीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है पारुल जी, ये सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, किसान और आम जनता के मौत पे राजनीति नहीं होनी। देखिए सबसे बड़ी बात कहीं से भी गौरव जी जिस टेनी जी के बारे में बता रहे थे वो उस पे सब मेरे से प्रश्न है कि जय जी से प्रश्न है, मैं से भी रहा। चलिए ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभिषेक जी, जय दीक्षित जी, राजनीति करिए, अच्छी बात है, चुनावी वर्ष में राजनीति कीजिए, लेकिन जय दीक्षित जी माफी चाहूंगी, समय खत्म हो गया है मेरे पास, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे यहीं पर इस डिबेट को खत्म करना होगा क्योंकि समय नहीं है। तो अब लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में जो कुछ भी सियासत हो रही है, अब आज मुख्य आरोपी आशीष को जो है क्राइम ब्रांच लगातार सुबह से पूछताछ कर रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आशीष की गिरफ्तारी आज हो जाएगी या क्या आने वाले दिनों में आशीष की गिरफ्तारी होगी, ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है क्योंकि लगातार जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष का दबाव जो बनता नजर आ रहा है सरकार पर, ऐसे में अब आशीष की गिरफ्तारी कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।